इन 10 सालों में मैंने बहुत सारी ज्वेलरी बॉक्सेस को तैयार किया है, कुछ ऑर्डर पे और कुछ गिफ्ट देने के लिए, जिनमें सिल्वर ज्वेलरी बॉक्स और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्लू फॉइल ज्वेलरी बॉक्स। लेकिन आज जो मैं तैयार करूंगी वो कुछ होगा ही डिफरेंट, तो चले देखते हैं क्या होता है। आज कुछ नया बनाते हैं, चले भी हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इन 10-12 सालों में बहुत सारी ज्वेलरी बॉक्सेस को तैयार किया है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज कुछ हम डिफरेंट तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हम गोल्डन ज्वेलरी बॉक्स को तैयार कर रहे हैं, जस्ट लाइक गोल्ड बॉक्स, तो आज हम गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स को तैयार करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा तैयार करने में। बहुत इजी है, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए। ये मेरे पास एक बॉक्स है और जिस तरह देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में है और कुछ इसकी खस्ता हाल है, लेकिन मज़बूत है। आप शू के जो बॉक्स होते हैं, जूते के डब्बे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस गोल्डन ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए। और ये देखें मेरे पास गोल्डन ये वॉल पेपर है जो वॉल पे लगते हैं। ये मैंने 300 का पूरा लिया है और बैक पार्ट पे इसके स्टिकर है। स्टिकर हटा के फिर ये ज्वाइन होता है और गोल्डन कलर में है, सिल्वर कलर में है, दो ही कलर में होते हैं। ये मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप से लिया है। 300 का है पूरा बंडल, तो मैंने ले लिया, किसी और टाइम पे भी काम आ जाएगा। अभी तो हम एक बॉक्स बना रहे हैं, अगर ऑर्डर आया तो और भी बना लेंगे। और इसके अलावा हमें स्केल, पेंसिल, सीजर्स और सिमेटेक्स में यूज़ कर रही हूँ। आप वाइट ग्लू भी कर सकते हैं। ये सिमेटेक्स कौन की सूरत में आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप में अवेलेबल है, तो चले पे एक गोल्डन ज्वेलरी बॉक्स बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइड्स के मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 3 इंचेस है चारों तरफ से, हमें ज़ाहिर बात है टर्न करना है, तो 3 इंच हमें बाहर की तरफ रखना है और अंदर की तरफ भी 3 इंच जाएगा, तो टोटल 6 इंच हमें लेना है। 3 इंच पहले लेंगे और 3 इंच दोबारा, तो इस तरह से 6 इंच हम चारों तरफ ले लेंगे। सेंटर में हमारा बॉक्स आएगा, बॉक्स के चारों तरफ हमें 6 इंच का गैप देना है। तो उसके पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। स्केल से मैं निशान लगा रही हूँ, पहले 3 इंच का लगाऊंगी, उसके नीचे फिर 3 इंच का लगाऊंगी, क्योंकि हमें देखें अंदर भी टर्न करना है और अंदर नज़र ना आए कहीं, अंदर भी तो हमारा नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए ना। तो दोबारा मैं 3 इंच लूँगी, तो टोटल इस तरह से हमें 6 इंच चारों तरफ लेना होगा। 6 इंच चारों तरफ लेने के बाद फिर हम सेंटर में इस बॉक्स को रखेंगे और फिर बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 6 इंच हम चारों तरफ से ले रहे हैं। गोल्डन शीट की चौड़ाई इतनी है कि 6 इंच के बाद हमें सेंटर में ही पूरा बॉक्स आ जाए। ये देखिए 6 इंच के नीचे हमने बॉक्स को रखा है और चारों तरफ हमने हमारा 6 इंच का गैप है, तो इस सेंटर में भी हम निशान लगाते हैं। और फिर निशान लगाने के बाद हमें सिमेटेक्स से या वाइट ग्लू से आप सिर्फ सेंटर में हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए हमारा हो गया। अब मैं स्टिकर हटा दूंगी, क्योंकि ये स्टिकर के साथ मैंने मेजरमेंट लिया है, तो जो हमने अभी निशान लगाया है सेंटर में, उसके नीचे भी हम 6 इंच का मेजरमेंट लेंगे। साइड के दोनों तरफ भी हमें 6 इंच लेना है और ऊपर वाला पार्ट भी हमें 6 इंच लेना है। मैं हमें बात क्लियर हो गई होगी। सेंटर में हमें बॉक्स का मेजरमेंट लेना है और चारों तरफ हमें 6 इंच का गैप देना है। अब देखिए बैक पार्ट पे मैं सिमेटेक्स लगा रही हूँ, आप वाइट ग्लू से भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो सिमेटेक्स हम अच्छे से लगा लेंगे और किसी भी चीज़ से इसको पूरा हम लेवल कर लेंगे, ताकि कोई चीज़ हमारी रह ना जाए। तो देखिए मैं पूरे लेवल कर रही हूँ और जो हमारा सेंटर पार्ट है वहाँ हम इसको अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद अब थोड़ी देर वेट कीजिएगा, फ़ौरन ही हमें नेक्स्ट काम स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ी देर वेट कर। अच्छे से देखें हाथों को मैं दबा रही हूँ ताकि हमारा अटैच हो जाए, और फिर हम 15 मिनट्स वेट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट। 15 मिनट्स हो गए हैं, थोड़ी देर हम वेट करते हैं ताकि काम हमारा मज़बूत हो। अब देखें ये साइड में हम इसकी कटिंग करें, किस तरह से कर रहे हैं कि जहाँ हमने बॉक्स को सेंटर में अटैच किया है उसी तरह जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जो हमारा गोल्डन शीट है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ,
और फिर आसानी से हमारा ये अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। इसी तरह आप सेंटर में रख के चारों तरफ की कटिंग कर लीजिएगा कॉर्नर्स के, और जो इसका पार्ट बचेगा ये भी फेंकिएगा नहीं, क्योंकि है बड़ा महंगा, 300 का है, तो किसी और हम और काम में ले आएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को आप उठा के रख दें तो वो चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं, किसी ना किसी काम में आ जाती हैं। तो देखिए मैं इस तरह से भी कट कर रही हूँ, ये हमारा कट हो गया है। अब देखें जो ये वाला पार्ट हमारा बचा है जो आपको नज़र आ रहा है, हम उस पर ये इसमें टैक्स लगाएंगे, या फिर दोबारा कहूँगी वाइट ग्लू लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम ये इसको अटैच कर लेंगे। बाहर भी आपको सिमेंट टैक्स लगाना है, अंदर भी, अंदर भी हमारा, मैं इसलिए कह रही थी कि हम अंदर कोई शीट नहीं लगाएंगे, जब चारों तरफ हमारे ये रैप हो जाएगा, हम जब पलट के लगाएंगे तो हमारे चारों तरफ भी गोल्डन ही रहेगा, तो इसलिए बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम सेंटर में क्या करते हैं वो तो हम आगे चल के बताएंगे, पहले हम इसको रैप कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से खींच के, फटेगा नहीं क्योंकि ये एक तरह से रैगजीन टाइप का होता है, तो लेकिन बहुत ही सफाई के साथ हम इसको देखें अटैच कर रहे हैं। हाथ से प्रेस कर लीजिएगा ताकि बबल्स ना आए, कभी कभी बबल्स आ जाते हैं तो ज़रा उभरा वसा लगता है। ये देखिए एक पार्ट हमारा हो गया, अंदर भी देखिए कितना नीट एंड क्लीन हमारा अटैच हो गया। अब हम तीन साइड्स को भी हम अटैच कर लेते हैं। ये देखिए हमने अटैच कर लिया है, और जो हमारा इसका अपर पार्ट है उसको भी हमने इसी तरह से, इसी तरीके से हमने इसको अटैच किया। अब देखिए एक फोम है, मैं फोम लगाऊँगी और एक तरफ का पार्ट मैं खुला छोड़ दूँगी। ये फोम वो है जो हम बैग बनाने में यूज़ करते हैं, और मैं गोल्डन ही पूरे फोम पे कवर कर दूंगी। आप चाहें तो वेलवेट भी कर सकती हैं, ब्लैक वेलवेट, मेरून वेलवेट, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप किसी को गिफ्ट देनी है तो आप इसको स्टिकर हटा के, हम ये आसानी से अटैच हो जाता है। तो देखिए मैं स्टिकर हटा रही हूँ और ये फोम को हम पूरा रैप कर देंगे इस गोल्डन शीट के साथ, क्योंकि ये हम ज्वेलरी बॉक्स बना रहे हैं तो ज्वेलरी अंदर से भी जब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जब इसके ऊपर ज्वेलरी हम रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और सचमुच का लगेगा कि हम गोल्ड के ज्वेलरी बॉक्स बना रहे हैं, है ना? आर यू एग्री विद मी? तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको ये आइडिया लगा कि हम गोल्डन ज्वेलरी बॉक्स बनाते हैं। तो ये देखें हमने रैप कर लिया है, अब साइड से भी, दोनों पार्ट से भी हम इसको रैप कर देंगे, और फिर ग्लू गन की हेल्प से या ये सिमेटेक्स की हेल्प से हम इसको नीचे ज्वाइन करेंगे जो हमारा ज्वेलरी बॉक्स है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज्वेलरी की रख सकते हैं। और जब आप शू के बॉक्सेस जो होते हैं, जूते के जो होते हैं बॉक्स, वो भी अच्छे खासे बड़े होते हैं, तो आप उसके साथ भी बना सकती हैं। देखें एक तरफ मैं ये लगाऊँगी ये गोल्डन शीट, और जो साइड में हमारी जगह बच रही है वहाँ मैं रिंग रखने की जगह बताऊँ, क्योंकि अभी आपको कि हम अपने रिंग और टॉप्स कैसे रख सकते हैं। और देखिए मैंने जो हमारा ऊपर इसको ढक्कन जिसे कह सकते हैं कवर करेंगे हम, वो मैंने बैक पार्ट से भी गोल्डन लगा लिया है, और एक तरफ से मैंने इसको अटैच कर लिया। जो ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसी साइज़ का, देखें मैंने ये फोम लिया है, फोम को टर्न किया है और टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद ये मैंने ब्लैक वेलवेट लिया है और ग्लू गन की हेल्प से इसको पूरा कवर कर लिया है, तो ये हमारा अंदर का जो वाइट फोम है वो छुप गया है। अब ये जो आपको जगह नज़र आ रही है वहाँ हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम ये ब्लैक फोम लगाएंगे तो ये छुप जाएंगी चीज़ें, तो ग्लू गन की हेल्प से लगाएंगे। साइज़ देख लीजिए, बड़ा छोटा साइज़ होता है, उसी हिसाब से हम देखें 1 by 1 इसको लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और यहीं हम अपने टॉप्स और रिंग लगा सकते हैं। आप चाहे अगर रिंग के लिए बना रही हैं तो पूरे बॉक्स पे इस तरह रिंग के लिए भी आप बना सकती हैं। अब जो ये बाकी छोटा सा पार्ट बचा है उस पर भी मैं ये फोम लगा लूँगी, गोल्डन शीट के साथ अटैच करूँगी इसको, जिस तरह से हमने बड़े वाले पार्ट को अटैच किया था। तो अब हमारा ये काम भी हो गया है, अब हमारा सिर्फ ऊपर हम डेकोरेट करेंगे कवर को। ज्वेलरी बॉक्स के अंदर की सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वेलवेट, ब्लैक वेलवेट में मैंने टॉप्स और रिंग रखने के लिए एक पोर्शन बनाया है, और बाकी मैंने गोल्डन ही रख दिया है ताकि ज्वेलरी जब उसके ऊपर रखे तो बहुत अच्छा लगे। अच्छा एक मैं हैंडल बनाऊँगी, लेकिन हम इसको
हैंडल को पकड़ेंगे नहीं, जस्ट ये डेकोरेशन के तौर पे होगा क्योंकि इतना हेवी नहीं है ये। तो सेंटर पॉइंट ले लेंगे, जिस तरह से आपको मैंने ज्वेलरी बॉल ईयरिंग बनाना सिखाया था उसी तरह ही मैंने बड़े साइज़ का बॉल लिया है, उसमें मिरर लगाए और फिर उसको कलर कर दिया। अब देखते हैं कि येलो या मेरून कौन सा लगाते हैं जो हमारे इस गोल्डन पे मैच करें, हम वही लगाएंगे। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे ख्याल में मरून सही लग रहा है, येलो थोड़ा सा डल हो गया है गोल्डन के आगे, तो सेंटर में हम इसको रख देंगे और नीचे के वाले पार्ट पे हम ये मिरर लगाएंगे और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बिल्कुल सेंटर पार्ट है कि नहीं है, वरना बहुत अजीब सा लगेगा कि अगर हमारा सेंटर ना हो। तो ये देखें, आप इसको ड्राई होने का वेट करते हैं। मैंने सिमेटेक से इसको ज्वाइन किया है और इसके नीचे वाले पार्ट पे मैं मिरर लगाऊंगी और आगे को भी हम डेकोरेट करेंगे। किस तरह से करते हैं चलें देखते हैं वो भी, कि आगे वाले पार्ट को हम किस तरह से डेकोरेट करते हैं। अब हम गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स के कवर को डेकोरेट करेंगे। मैं मिरर ले रही हूँ, मिरर डिफरेंट साइज़ के आते हैं, मैं सर्कल और ट्रायंगल शेप में लूँगी, तो मैं ये निकाल लेती हूँ। और बहुत सारे साइज़ में आते हैं, ये स्क्वायर शेप में ये हम नहीं लगाएंगे, तो ये दोनों चीज़ों से हम इसके ज्वेलरी बॉक्स के कवर को डेकोरेट करेंगे। किसी साफ़ कपड़े से हम कवर को साफ़ कर लेते हैं और फिर हम लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें ज्वेलरी बॉक्स कवर को चारों तरफ मिरर से एडजस्ट करना है। किस तरह से, कि एक पहले हम ट्रायंगल शेप लगाएंगे, उसके बाद राउंड छोटा सर्कल मिरर लगाएंगे, फिर ट्रायंगल शेप लगाएंगे, फिर दोबारा सर्कल में जो मिरर है वो लगाएंगे। वाइट ग्लू के साथ मैं लगा रही हूँ, आप सिमेटेक समत बॉन्ड किसी के साथ भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये हमारा कवर हो गया। अब जो हमारा बॉल हमने लगाया है मेरून कलर का, उसके चारों तरफ भी मैं मिरर लगाऊंगी इसी ही तरतीब से। गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स हमारा तैयार हो गया है। अंदर के पोर्शन को, जैसे आपको पता है कि मैंने रिंग का पोर्शन अलग बनाया है और बाकी अपनी ज्वेलरी रख सकती हैं आप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख सकती हैं, गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स है तो गोल्ड की ज्वेलरी भी रख सकती हैं। और ऊपर का पार्ट जो हमारा कवर है उसको हमने बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है मिरर के साथ, मेरून बॉल के साथ किया है। लेकिन बॉल को आप हैंडल से उठाइएगा नहीं, ये जस्ट आपके लिए डेकोरेशन के तौर पे हमने यूज़ किया है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। Thank you very much.